दूध हो चावल हो, लेकिन खीर में जब तक शर्करा ना गिरे, शक्कर ना गिरे ना, तब तक खीर मीठी नहीं होती, खीर में मिठास नहीं आता। तो मिठास कैसे आए? जब चीनी डल जाए, और ये चीनी क्या कहा भगति मधुरता जाए, ये चीनी ही, ये शर्करा ही भगवान की भक्ति है। तो शुद्ध ज्ञान निष्ठा, शुद्ध धर्म निष्ठा और शुद्ध भक्ति निष्ठा, इन तीनों को जब कोई साधक तपस्या की अग्नि में तपाए और ऐसे तपापूत परिपक्व निष्ठाओं का जो पान कर लेगा। अच्छा, ये दूध चावल और शर्करा को मिला दें तो खीर नहीं बनेगी, घोल होगा। खीर कब बनेगी? जब आग में तपे, परिपक्व हो। और यहाँ तो अग्निदेव ने प्रकट होकर ही खीर दी है। इसका अर्थ है जब कोई साधक तपस्या की अग्नि में तप कर ये तीन निष्ठाओं से नाता जोड़ता है, और जब ऐसे तपापूत परिपक्व